वेलकम टू माय चैनल क्लियर कोठा में। और आज हम देखेंगे जेसीसी सीजल के अनुसार कोठा शब्द की रचना, जो कि मेरा आज जेसीसी सीजल के लिए आज मेरा पहला क्लास है। तो प्लीज जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल क्लियर कोठा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर कोठा। कोठा के वर्णों से परिचित हो जाने बाद हम कोठा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। कोठा शब्द निर्माण में स्वर भक्ति या स्वर रागम की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी शब्द के आगे पीछे या बीच में वर्ण या मात्र का आगमन हो जाता है। जैसे स्कूल तो कोठा में हो गया स्कूल, स्थिर का स्थिर, अस्तर का अस्तर, स्तुति का स्तुति, स्वार का स्वार, दाल का दाल, कल का कायल, चाल का चायल और मार का मायर, आज का आज और कल का कायल, रात का रात और सुनाए, मिलाए हकाए फेंकाए रोकाए आदि। कोठा शब्द बनाने में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन अर्धाक्षर पूर्णाक्षर में बदल जाता है, यानी आधा अक्षर में हो जाता है और पूरा अक्षर में हो जाता है। जैसे शब्द शब्द, काव्य काव्य, वर्ण वर्णन, बुद्धि बुद्धि, कोठा में देख सकते हैं आप लोग किस तरह से होता है, राज्य राज, मुख्य मुख्य, अत्याचार अत्याचार, क्रम 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 क्रम, संस्कृति संस्कृति। तो ये था कोठा में और ये हिंदी में। शब्द के आरंभ में व का व्यवहार आमतौर पर नहीं होता है, वहाँ व की जगह व का प्रयोग होता है। जैसे वचन वचन, वन वन, विधान विधान, विनय विनय, वर्ण वर्ण, विराट विराट, विनोद विनोद, विचार विचार। हिंदी या अन्य भाषा के शब्दारंभ में देख हो तो कोठा में ब हो, जैसे व्यवहार व्यवहार, व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ हो का संयोग से कोठा में आए हो तो वो अथवा अ बन जाता है। देखें स्वभाव स्वभाव, स्वागत स्वागत, स्वाद स्वाद, ज्वर जर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि व में आकार का मात्रा हो तो यथावत होगा, पर पूर्व अर्ध व्यंजन पूर्ण बनकर आता है। जैसे स्वागत स्वागत, स्वाद स्वाद। फिर हम छठा देखेंगे, यज से आरंभ होने वाले हिंदी संस्कृति के शब्द में कोठा में ज से होता है। जैसे यज्ञ यज्ञ, यदि यदि, यमुना जमुना, यंत्र जंतर, यथा तथा, योग योग, यत्न यत्न, यात्री यात्री। तो ये था यज्ञ से। अब उल्लेखनीय है कि उर्दू फारसी में आए शब्दों के लिए यह की जगह में ए यह हो जाता है। याद जैसे याद, यकीन यकीन, यार यार, वो और वो का वो हो जाता है। जैसे वकील वकील, वजन वजन, असूल असूल, वजह वजह। कोठा के शब्दों में ना का इस्तेमाल नहीं होता है, इसकी जगह पर ना का प्रयोग होता है। जैसे कारक कारण, रन रन, मनी मनी, परिणाम परिणाम, कोण कोना, कन अभिनवा। कोठा में स और स का व्यवहार नहीं है, दोनों की जगह पर स का प्रयोग होता है। स को स्थान पर कहीं कहीं ख का व्यवहार होता है। देखें शनिवार शनिचर, शान शान, सेखी सेखी, शोषण शोषण, ऋषि ऋषि, शासन शासन, शिव शिव, शत्रु शत्रु, विष विष, संतोष संतोष। री के स्थान पर कोठा में री री या र का प्रयोग होता है, यथा ऋषि ऋषि, कृपा कृपा, तृप्ति संस्कृति संस्कृति, ऋण धृति धृति, पृत पितृ, कृति कृति। अगर ग्रामा छ की जगह संशोधित छ की जगह पर कोठा में ख छ या क छ का इस्तेमाल होता है। क्षेत्र क्षेत्र, क्षमता क्षमता, क्षति क्षति, क्षण खन, क्षत्रिय क्षत्रि, परीक्षा परीक्षा, क्षय क्षय, शिक्षा शिक्षा। और ज्ञान से के बदले कोठा में का गया हो जाता है, जैसे ज्ञान ज्ञान, संज्ञा संज्ञा, संज्ञा। फिर त्र क्र प्र आदि के बदले तर कर पर लिखा जाता है। जैसे मंत्र मंत्र, प्रयोग प्रयोग, चक्र चक्र, कर्म कर्म। तो ये था मेरा जैसे सीजन के अनुसार कोठा शब्द की रचना के बारे आप लोगों को मैंने बताया। अब इसके आगे हम देखेंगे व्याकरण, जो कि मेरा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि हो चुका है। जैसे सीजीएल के सिलेबस के अनुसार देखना पड़ेगा, अब उसके आगे करेंगे।
अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए फटाफट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।